नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज इस नए वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। और यहां पे दोस्तों उत्तर प्रदेश जिला लखनऊ की तरफ से माली भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो मैं आज आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, सलेक्शन प्रोसेस इस पे दोस्तों क्या है। कोई भी एग्ज़ाम नहीं, सिर्फ आपको फॉर्म भरना है और जो माली का काम है अगर वो थोड़ा बहुत भी आपको आता तो उसी बेस पे आपका सलेक्शन हो जाएगा। और ये दोस्तों जो आपका संस्थान है वो आपका कैंसर संस्थान जो आपका लखनऊ में है गवर्नमेंट, वहाँ से भर्ती निकाली गई है। तो इसके लिए ऑल इंडिया कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है, नोटिफिकेशन कैसे देखना है, एज क्या होनी चाहिए आपकी, ठीक है, सैलरी कितनी मिलेगी ए टू जेड, सारी जानकारी दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आइए दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरें, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को प्रेस कर लें, ताकि भर्ती से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से जारी हो आपको स्वतः प्राप्त हो जाए, आप मिस ना करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले क्या करना है, अपने फ़ोन पे गूगल ओपन करना है, उसका वेबसाइट टाइप करना है sewayojanaup.nic.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको टाइप करने के बाद सीधा दोस्तों इंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे इंटर पे क्लिक करेंगे इस तरह से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जॉब्स वाला आपको ऑप्शन नज़र आएगा दोस्तों, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे फिर से नया पेज जो है वो हमारे सामने दोस्तों ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं सेवा योजना विभाग उत्तर प्रदेश, ठीक है। और यहां पे दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए जो भी दोस्त भाई बहन पहली बार इस वेबसाइट पर अभी तक उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले उनको पंजीकरण करना है, ठीक। पंजीकरण कैसे करना है मैंने एक संपूर्ण वीडियो इसी चैनल पर बना के डाल दिया है, उस वीडियो को अभी आपने नहीं देखा तो जाके देख के पंजीकरण आप कर सकते हैं। पंजीकरण हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें दोस्तों एक बार ही पंजीकरण किया जाता है। अब दोस्तों पंजीकरण करने के बाद सीधा लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे फिर से नया पेज हमारे सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ से आपको मिलेगा यूज़र आईडी और मिलेगा पासवर्ड, तो वो यहाँ पे फिल करना पड़ेगा और ये कैप्चा दोस्तों जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट हम अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड और ये कैप्चा फिल कर देते हैं। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे हम अपना यूज़र आईडी पासवर्ड और कैप्चा हमने फिल कर दिया। यूज़र आईडी हमने सिक्योरिटी रीजन की वजह से दोस्तों हाइड कर दिया है। अभी सीधा क्या करना दोस्तों, सबमिट वाले ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इस पे क्लिक करेंगे जो इसका डैशबोर्ड है वहाँ पे हम लॉगिन हो जाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए सर्वर एकदम सही चल रहा है और दोस्तों आप देख पा रहे हैं आउटसोर्स में आवेदित जो पद हैं 103, यानी कि दोस्तों मैंने अभी तक 103 भर्तियों का फॉर्म मैंने कम्प्लीट करके दोस्तों अभी तक आपको मैंने दिखाया है। अब देखिए नीचे की तरफ देख पा रहे हैं समस्त नौकरी, यानी कि दोस्तों इस समय 1290 भर्तियाँ इस पोर्टल पर दोस्तों चल रही हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, नौकरी देखने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए नौकरी के लिए आवेदन करे वाले ऑप्शन पे सीधा क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह से नया पेज दोस्तों ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमको शैक्षिक योग्यता सेलेक्ट करना हाई स्कूल, क्योंकि जो दोस्तों आपकी भर्ती वो हाई स्कूल लेवल पर है, यहाँ से हम हाई स्कूल दोस्तों सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है तो हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सीधा सर्च वाले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे अभी वेट करेंगे और यहाँ पे अभी जो भी हाई स्कूल लेवल की भर्तियाँ चल रही होंगी वो हमारे सामने दोस्तों शो होने लग जाएंगे। थोड़ा सा दोस्तों वेट करेंगे, अभी भी देखिए जो पद हैं वो शो नहीं हुए हैं, ठीक है। सर्वर थोड़ा सा दोस्तों इसका स्लो रहता है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए शैक्षिक योग्यता वाले ऑप्शन पर जिस लेवल की आप भर्ती देखना चाह रहे हैं सेलेक्ट करके खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे भर्ती शो हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करना है। आप लोग जल्दबाजी करते हैं और इसीलिए भर्ती शो नहीं करती। यहाँ पे देखिए फाइनली जो आपकी भर्ती है वो शो होने लग गई है, ठीक है। तो मैं जिस भर्ती के बारे में बात कर रहा हूँ दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 नंबर पर भर्ती नज़र आ रही होगी, ठीक है, माली, ठीक है, माली यहाँ पर पद नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए विभाग का नाम है सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर संस्थान लखनऊ, जनपद लखनऊ, ठीक है। सैलरी यहाँ पे देखिए 11,856 रुपये प्रतिमाह मिलने वाली है। अंतिम तिथि की बात करें तो 30/9/2023 यानी कि 30 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब तक आवेदन जो प्राप्त हुए 152 फॉर्म यहाँ पे दोस्तों कम्प्लीटली भरे जा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे कि इसका रिक्त का विवरण कैसे देखें, कितने पद हैं, क्या एज है, तो रिक्त विवरण वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से नया पेज फिर से हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए संस्था का नाम जिसको यहाँ पे दोस्तों भर्ती कंप्लीट करने का टेंडर मिला है, ठीक है, सुदर्शन फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड,
पद का नाम है माली, विभाग का नाम है सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर संस्थान लखनऊ। 30/9/2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। टोटल यहाँ पे पद दोस्तों 10 हैं, ठीक है, यानी कि 10 हैं। अगर योग्यता की बात करें तो मात्र यहाँ पे दोस्तों आपको हाई स्कूल पास मांगा गया है। क्लियर हो गया, नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे देखिए कार्य का विवरण में माली अपेक्षित वर्ग पुरुष, सिर्फ इसमें पुरुष अप्लाई कर सकते हैं, महिला अप्लाई नहीं कर सकती हैं। सैलरी 11,856 रुपये, 20 से 45 साल के बीच में एज होनी चाहिए। नीचे की तरफ आएंगे, एक वर्ष का अनुभव भी दोस्तों इस पर आपका मांगा गया है। राज्य उत्तर प्रदेश, जनपद लखनऊ, ठीक है। नीचे यहाँ पे देखिए हाई स्कूल विथ वन ईयर एक्सपीरियंस ऑफ गार्डनर माली इन एनी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट विथ नॉलेज ऑफ गार्डनिंग, ठीक है, लैंडस्केपिंग एंड प्लांट्स। क्लियर है, तो इस तरह से आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए, चाहे आप जहाँ से भी किए हो, प्राइवेट हो, जो भी हो, लेकिन आपको काम आना चाहिए। अभी देखिए मान लीजिए ऑनलाइन फॉर्म बनना है, तो यहाँ पे देखिए आवेदन करने का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर सीधा क्लिक करना है। सिर्फ क्लिक करना है और फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई झंझट नहीं है। बस एक बार आपको क्या करना है, इस डैशबोर्ड को आपको कंप्लीट करना है, या खुद से या किसी भी साइबर कैफे से जाकर करा सकते हैं, या वीडियो देख के भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन सेफ सक्सेसफुली, यानी कि फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया, ओके वाले पे क्लिक करेंगे और इस तरह से हमारा फॉर्म भर जाएगा। लेकिन आप लोग सोचे कि सर पता कैसे चलेगा कि फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया है, तो उसके लिए दोबारा से क्या करना है, नौकरी के लिए आवेदन करने वाले ऑप्शन पे पुनः दोस्तों क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम होम पेज में दोबारा आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अभी फिर से हमको यहाँ पे शैक्षिक योग्यता सेलेक्ट करना है, जैसा कि हमने इससे पहले भी किया था, तो यहाँ शैक्षिक योग्यता वाले ऑप्शन पे जाना है और हाई स्कूल ले लेना है, ठीक है। हाई स्कूल लेने के बाद खोजे वाले ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक करना है। जैसे खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो भर्ती है वो फिर से हमारे सामने ओपन होगी। फिर से हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, और जैसे भर्ती शो होगी मैं आपको दिखाऊँगा कि पता कैसे चल पाता है फाइनली यहाँ पे कि फॉर्म हमारा भर गया। कभी कभी सर्वर दिक्कत होने की वजह से बताता तो है कि कम्प्लीट, लेकिन कंप्लीट नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी होता है ना। यहाँ पे देखिए इस तरह से भर्ती फिर से शो होने लग गई है, 4 नंबर पे भर्ती आपको नज़र आ रही होगी। ध्यान से देखिए आवेदित तिथि, यानी कि यहाँ पे मेंशन हो गई डेट 25/9/2023। इससे ये पता चलता है कि हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हो गया, आवेदन करे का ऑप्शन यहाँ से गायब हो चुका है, आप देख पा रहे हैं। जैसे कि हमने नीचे इस फॉर्म को हमने नहीं भरा, तो यहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं है, आवेदन करे का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसी तरह दोस्तों आपको पता चल पाता है कि फॉर्म आपका कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो भी दोस्त भाई बहन इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस पे दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम नहीं, सिर्फ फॉर्म भरना है, नाम आ जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन का आपका वेरिफिकेशन होगा, सीधा आपको ज्वाइनिंग के लिए भेज दिया जाएगा और इस पे कुछ होता नहीं, ठीक है। तो इस तरह से रही दोस्तों आपकी भर्ती। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी अदर वैकेंसी आपके लेवल की जारी हो आपको स्वतः नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, आप मिस ना करें। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।